एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के दाम की गारंटी होती है। राशन सिस्टम के तहत जरूरतमंद लोगों को अनाज मुहैया कराने के लिए इस एमएसपी पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। वहीं इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल बाजार में फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों ना हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। अगर आसान शब्दों में कहें तो सरकार जिन फसलों का एमएसपी तय करती है उन्हें वो निर्धारित कीमत पर खरीदती है। इससे किसानों को अपनी फसल की एक तय कीमत के बारे में पता चल जाता है कि उस फसल के दाम कितने चल रहे हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग हर साल खरीफ और रबी सीजन की फसल आने से पहले एमएसपी की गणना करता है। इस समय 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है, जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों सहित सोयाबीन, सूरजमुखी, गन्ना, कपास, जूट आदि की फसलों के दाम सरकार तय करती है। एमएसपी के लिए अनाज की 7, दलहन की 5 तो तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलों को शामिल किया गया है। केरल सरकार ने सब्जियों के लिए आधार मूल्य तय करने की पहल की है। सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला केरल राज्य पहला ऐसा राज्य है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य उत्पादन लागत से 20% अधिक होता है। एमएसपी के दायरे में फिलहाल 16 तरह की सब्जियों को लाया गया है। हरियाणा भी केरल की तर्ज पर सब्जियों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाने की पहल कर रहा है। हरियाणा सरकार भी इसके ऊपर विचार विमर्श कर रही है। इसके लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं और मंडियों का सर्वे भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि कृषि सुधारों के लिए 2004 में स्वामीनाथन आयोग बना था। आयोग ने एमएसपी तय करने के कई फॉर्मूले सुझाए थे। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन समिति ने यह सिफारिश की थी कि एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। हर साल बुआई से पहले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होता है। हर खरीफ और रबी सीजन के लिए एमएसपी तय होता है। बहुत से किसान तो एमएसपी देखकर ही फसल की बुआई करते हैं। एमएसपी पर सरकार विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से किसानों से अनाज खरीदती है। एमएसपी पर खरीदकर सरकार अनाजों का बफर स्टॉक बनाती है। सरकारी खरीद के बाद एफसीआई और नेफेड के पास यह अनाज जमा हो जाता है और इस अनाज का इस्तेमाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के लिए किया जाता है। अगर बाजार में किसी अनाज में तेजी आती है तो सरकार अपने बफर स्टॉक में से अनाज खुले बाजार में निकालकर कीमतों को काबू करती है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए और ऐसे सभी विषयों पर भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इन सभी मामलों के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसानों को भी शामिल किया जाएगा और इसी के साथ कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे। अब एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि कमेटी के फैसलों पर ही एमएसपी तय होगी, साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार आगे भी और कई बड़े कदम उठा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।